नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मिसाइल के क्षेत्र में जो देश आगे बढ़ रहे हैं उन देशों ने MIRV तकनीक को डेवलप कर अपनी मिसाइलों को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया है। आज भारत के लिए भी ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का दौर पुराना हो चुका है। आज भारत रूस अमेरिका की तरह MIRV तकनीक का महारथी बन चुका है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल, यानी कि वह हथियार जो अपने साथ कई वॉरहेड्स को ले जा सकती है। MIRV तकनीक वाली मिसाइलों को अगर हम आसान भाषा में समझे तो वह तकनीक जो एक ही वार से दुश्मन के कई ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है। भारत के पास MIRV तकनीक और ICBM में उसे महारत हासिल है, मगर उसके बावजूद भारत इसको कभी आधिकारिक तौर पर कबूला नहीं है कि उसके पास MIRV तकनीक है। दुनिया में केवल रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही वह देश हैं जिन्हें MIRV तकनीक हासिल है। और इसके साथ ही आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि हमारा परम मित्र, हमारा बेटा जिसको कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान के पास भी उसके अपने बाप से पहले MIRV तकनीक मौजूद है। बाकी जोक सपाट, यह हकीकत है कि पाकिस्तान के पास MIRV तकनीक है और वो इस पे भारत का मजाक भी बनाता है। यानी कि भारत के दोनों दुश्मनों के पास दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल तकनीक मौजूद है। हालांकि चीन ने ही यह तकनीक पाकिस्तान को दी है, लेकिन दोस्तों अब भारत ने यह कल ही अनाउंस किया है कि वह MIRV तकनीक वाली मिसाइल का ट्रायल करने वाला है। और दोस्तों उससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत अग्नि 5 मिसाइल में MIRV तकनीक का प्रयोग करेगा। दोस्तों मैं कई बार अपनी वीडियो में सोर्स नहीं बताता तो लोग कमेंट करते हैं कि यह फेक न्यूज़ है, और बाद में जब वह खबर सही साबित होती है तो बोलते हैं आप सही थे। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको सोर्स भी बताने वाला हूं, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है, इसलिए इस खबर पर यकीन करना आसान नहीं होगा। दोस्तों यह इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि इंडिया टू कंडक्ट फर्स्ट यूजर ट्रायल ऑफ अग्नि 5 मिसाइल। यह आर्टिकल 13 सितंबर यानी कि कल का है। इस आर्टिकल में अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो इसमें लिखा हुआ है कि द 5000 किलोमीटर रेंज मिसाइल लाइकली टू बी फ्लाइटेड टेस्टेड ऑन September 23, यानी कि 23 सितंबर को इसका ट्रायल किया जा सकता है। इस आर्टिकल में आगे दिया गया है, डिफेंस सोर्सेज सेड द नेक्स्ट ट्रायल ऑफ अग्नि 5 मिसाइल अज्यूम सिग्निफिकेंस एज इट मे बी इक्विप्ड विद MIRV कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल वॉरहेड्स। अभी तक दोस्तों MIRV तकनीक का सीक्रेटली तो टेस्ट किया हुआ है, लेकिन कभी भी इसको दुनिया के सामने नहीं लाया गया है। दोस्तों भारत की यह मिसाइल यानी कि अग्नि 5 को DRDO ने डेवलप किया है और इसका पहला टेस्ट 19 अप्रैल 2012 में किया गया था। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5500 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर है और मैक्सिमम स्पीड Mach 24 या 29401 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 1500 किलोग्राम के वॉरहेड्स अपने साथ ले जा सकती है और इसमें रिंग लेजर, गैरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS नेविक सैटेलाइट गाइडेंस से यह लेस है। इसकी एक यूनिट का कॉस्ट 50 करोड़ रुपए है। दोस्तों भारत की यह मिसाइल सभी एशियन कंट्री और अफ्रीका और यूरोप के कुछ पार्ट्स को हिट करने में कैपेबल है। भारत दुनिया का 8वां देश है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। भारत के अलावा US, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस, इसराइल और नॉर्थ कोरिया वे देश हैं जिनके पास ICBM मिसाइल मौजूद है। दोस्तों अब इसी मिसाइल में MIRV तकनीक को इंडक्ट किया जाएगा। पहले से ही अग्नि 5 ने दुनिया के नाक में दम किया हुआ है और अब यह एक साथ कई ठिकानों को तबाह करने वाली काबिलियत से लैस भी होगा। दोस्तों भारत मिसाइल तकनीक में इतना आगे निकल चुका है कि वह सीधे सीधे अमेरिका और रूस को टक्कर दे रहा है। जिस MIRV तकनीक को भारत अब दुनिया के सामने खुलकर ला रहा है, सही मायने में यह तकनीक भारत के पास बहुत पहले से ही मौजूद थी। यहां तक कि दोस्तों जब भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया था तो कुछ रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि इसमें भी MIRV तकनीक का उपयोग करके भारत ने मल्टीपल टारगेट को निशाना बनाया था। दोस्तों पूरा विश्व भारत के मिसाइल ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कभी हम पर संदेह नहीं करता, क्योंकि भारत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार दुनिया को चौंकाया है। दोस्तों हमारी जो नोटाम वाली पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी 23 और 24 तारीख को भारत किस मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। उसमें हमने K4 मिसाइल, अग्नि मिसाइल और BMD सिस्टम में लगने वाली AD1 और AD2 मिसाइल के बारे में कहा था कि इन तीनों में से किसी का टेस्ट DRDO करेगा। लेकिन दोस्तों अब यह लगभग कंफर्म हो गया है कि भारत अग्नि 5 का यूजर ट्रायल 23 सितंबर को करने वाला है। दोस्तों इस ट्रायल के लिए DRDO को शुभकामनाएं, और आप भी कमेंट बॉक्स में DRDO के लिए जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।